कांग्रेस में राहुल गांधी समर्थन बनाम विरोधी खेमे के बीच जारी मुकाबला टाई रहा। पार्टी का संकट टल जरूर गया मगर खत्म नहीं हुआ है। भविष्य में जब कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का विकल्प तलाशेगी तब एक बार फिर ये अंतर्कलह निकल कर सामने आएगी। हालांकि इस विवाद में सबसे अधिक कमजोर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ही पड़ते दिखाई पड़े हैं। ऐसे में भविष्य में उनके लिए अपनी पसंद के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाना आसान नहीं होगा। सोनिया जी ने ये कहा है कि जो उन लोगों ने सुझाव दिया है अपने पत्र में उसको देखने के लिए या उसकी उसके कार्यान्वयन के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी ताकि उसको पूरा किया जा सके। राहुल विरोधी खेमे का मानना है कि भले विवाद टालने के लिए कमेटी बना दी गई मगर इससे समाधान निकालना संभव नहीं है। यक्ष प्रश्न ये है कि सोनिया की जगह पार्टी की कमान किसके हाथों में हो। पार्टी का एक धड़ा ना तो राहुल की दोबारा ताजपोशी चाहता है और ना ही उनकी पसंद पर सहमति देना चाहता है। ऐसे में या तो भविष्य में इस मुद्दे पर फिर टकराव होगा या फिर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए सियासी जमीन तैयार की जाएगी। हालांकि प्रियंका के लिए भी ये राह आसान नहीं होगी क्योंकि अब तक उन्होंने भी अपनी राजनीतिक क्षमता का विशेष परिचय नहीं दिया है। आज कांग्रेस पार्टी एक अध्यक्ष नहीं ढूंढ पा रही है तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि इस कांग्रेस पार्टी में किस तरह का नेतृत्व है, किस तरह का भविष्य है। राहुल गांधी की कार्यशैली पार्टी के एक धड़े को बेहद नागवार गुजरी है। पार्टी के 23 नेताओं की ओर से भेजे गए पत्र का कारण भी राहुल ही थे। अब कार्य समिति की बैठक के बाद राहुल की पार्टी में स्थिति और कमजोर हुई है। बैठक की शुरुआत में उन्होंने कथित तौर पर पत्र लिखने वालों पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगाया और फिर विवाद बढ़ने पर सफाई भी दी। इससे कांग्रेस में राहुल की कमजोर होती पकड़ का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। असहमति और विरोध के बीच में जब कोई रास्ता निकले और जो उन्होंने कंक्लूडिंग रिमार्क में जो मैंने सोनिया जी का सुना कि वी आर अ लार्ज फैमिली सम पीपल माइट डिसएग्री बट वी विल वर्क टुगेदर, उसमें मंत्र छिपा पड़ा। सूत्रों के अनुसार बैठक की शुरुआत में योजना चिट्ठी के बहाने राहुल गांधी के विरोधी नेताओं को किनारे करने की थी। इस रणनीति के तहत सोनिया ने अंतरिम अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की। इसके बाद राहुल ने पत्र लिखने वाले नेताओं पर निशाना साधा। दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एके एंटनी जैसे नेताओं ने सोनिया गांधी के समर्थन में कसीदे पड़े, लेकिन 7 घंटे तक चले मंथन के बाद आखिरकार अंत में सोनिया को कहना पड़ा कि उनके मन में पत्र लिखने वालों के प्रति दुर्भावना नहीं है। विवाद टालने के लिए कमेटी बनाने की घोषणा हुई। ये कमेटी संगठन के कामकाज पर उठाए गए सवालों की पड़ताल करेगी। हालांकि इसे लेकर भी पूरी राजनीति होने की संभावना है। माना यही जा रहा है कि कोई कमेटी कांग्रेस की समस्या का समाधान नहीं है। इसके लिए हाईकमान को ही आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट।